Welcome students of standard first. Today we are learning our subject English grammar. In English grammar our chapter is consonants. पढ़िए बच्चों, C O N S O N A N T S consonants. मुलांनो आज अपन consonants का अभ्यास करतो आहोत. तुम्हाला माहिती आहे कॉन्सनंट्स म्हणजे काय होते? कॉन्सनंट्स म्हणजे व्यंजन. कॉन्सनंट्स म्हणजे व्यंजन. कॉन्सनंट का मतलब होता है व्यंजन. आज हम कॉन्सनंट्स पढ़ने वाले हैं. कॉन्सनंट्स पढ़ने के पहले आपको वॉवेल्स मालूम होने चाहिए. क्या मालूम होने चाहिए? वॉवेल्स, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वॉवेल्स. वॉवेल्स मतलब स्वर. इंग्रजी मध्ये स्वर किती आहेत? हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? फाइव. इतने वॉवेल्स होते फाइव. कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ और यू. ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर द फाइव वॉवेल्स. ये है फाइव वॉवेल्स. अब हमें कॉन्सनंट देखना है. तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो अल्फाबेट्स में बच जाएंगे 26 अल्फाबेट्स में, उनको आप कहोगे कॉन्सनंट. क्या क्या बच गया बच्चों आप बताइए. मैं इधर ब्लैक पेन से लिखता हूँ. क्या क्या बच गया? ए के बाद में बी, बाद में सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. ये जो है ये हो ये आपके कॉन्सनंट्स. 26 में फाइव वॉवेल को छोड़ने के बाद जो बच जाएंगे 21 बचेंगे, तो ये हो गए आपके कॉन्सनंट्स. इन्हें आप कहोगे व्यंजन. तो ये हमारे क्या है? व्यंजन है, कॉन्सनंट्स है. अब आपको एक वर्क मैं आपको समझा देता हूँ, वो मैं ब्लू पेन से लिखूंगा. अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है और इधर में आपको एक इस तरह का कोई चित्र दिया है. ये चित्र बच्चों चाबी का है. काय का चित्र है? ये चाबी का है. अब आपसे कहा गया है कि यहाँ खाली जगह में इनमें से कौन से कॉन्सनंट्स होना वो लिखिए. अब चाबी को आप क्या कहते हो? की है कि नहीं? के ई वाई. तो शुरू में कौन आएगा? के और इधर आएगा वाई. ठीक है, तो के ई वाई. अब ये जो कॉन्सनेंट है उसे आपको अंडरलाइन करना या फिर सर्कल बनाने के लिए कहा जाता है. तो आपको कॉन्सनेंट पहचानते आने चाहिए. और एक चित्र मैं आपके सामने रखता हूँ. मान लीजिए कि ये इधर ब्लैक कलर में मैंने एक चित्र निकाला है. अब ये चित्र आप समझ गए होंगे कि ये काय का है. बताइए, कप है. वेरी गुड. अब यहाँ आपको कॉन्सनंट्स लिखने हैं तो कप की स्पेलिंग आपको ध्यान में आनी चाहिए. शुरू में आएगा सी और इधर आएगा पी. तो ये बन गया कप, सी यू पी, कप. अब मान लीजिए मैंने आपको और एक यहाँ पर चित्र निकाल के बता दिया. ये चित्र
यह किसी तरह का एक पॉट है कि नहीं, बर्तन है, तो फिर बीच में ओ है और इधर खाली जगह है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पी और इधर लिखेंगे टी और फिर इसको करोगे सर्कल। इस तरह से आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं बीच में, लेकिन आपके वॉवेल आ रहे हैं। मुलांनो, तुम्हाला व्यंजन लिहायची आहे असे अनेक शब्द आहे। उदाहरणार्थ तुम्हाला या ठिकाणी हे एक चित्र दिलेले, कशाचे चित्र आहे, ये टेन है ना। मग सुरुवातीला या ठिकाणी ई दिलेलं आहे आणि रिकाम्या जागा दिलेल्या आहे। मग टेन तो स्पेलिंग माहिती आहे तुम्हाला, व्हेरी गुड, टी ई एन, म्हणजे टी हा व्यंजन आहे आणि एन हा सुद्धा व्यंजन आहे आणि मध्ये आलेला वॉवेल आहे। या प्रकारचं होमवर्क मी तुम्हाला पाठवतो आहे। मुलांनो, फक्त एवढं लक्षात ठेवा की देयर आर फाइव वॉवेल्स, पांच वॉवेल होते हैं, वो कौन से है, ए ई आई ओ यू, और जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। ओके, इतना ध्यान में रखिए, होमवर्क कीजिए और चेक करने के लिए भेजिए। थैंक यू।